कर रहा है करियर बर्बाद, क्यों इन दो खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में हिस्सा नहीं बनाया गया। प्लेइंग 11 देखकर फैंस का गुस्सा पहुंचा सातवें आसमान पर, बीसीसीआई की लगाई फटकार। जी हां दोस्तों, भारत बनाम श्रीलंका के बीच दूसरा ओडीआई मुकाबला ईडन गार्डन के मैदान पर खेला गया। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुना था। मैच में यजुवेंद्र चहल के स्थान पर कुलदीप यादव की वापसी हुई है। एक बार फिर शानदार फॉर्म में चल रहे सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन को पानी पिलाने के लिए रख दिया गया है। जहां सूर्यकुमार यादव दोस्तों राजकोट के मैदान पर ताबड़तोड़ तीसरे टी20 मुकाबले में शतक ठोका था, वहीं बांग्लादेश के खिलाफ ईशान किशन ने आखिरी ओडीआई मुकाबले में दोहरा शतक जड़ा था। लेकिन इन शानदार फॉर्म के बावजूद भारतीय टीम में इन्हें मौका नहीं दिया गया है। इस पर फैंस ने ट्विटर पर गुस्सा दिखाया है। एक यूजर ने लिखा है, केएल राहुल को मौका मत दो, सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन को मौका दो। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है, सिर्फ भारतीय क्रिकेट मैनेजमेंट में ऐसा हो सकता है, शानदार फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों को बैठा दिया जाता है। आखिर कौन कर रहा है यह राजनीति, क्यों इन दो खिलाड़ियों को राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। वहीं एक यूजर ने एकदम भड़क उठा और उसने लिखा, ये किस तरह के विश्व कप की तैयारी चल रही है, सक्षम खिलाड़ी को पानी पिलाने के लिए रख दिया जाता है, वहीं केएल राहुल जैसे खिलाड़ी को मौका दिया जा रहा है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी वीडियोज पाने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब से लाइक जो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।